मित्रों अच्छे वीडियो आने वाले हैं, प्रेस द बेल आइकन। जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी का और बीपीएससी का आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। वो दोनों एग्जाम आपको दिसंबर में होने वाला है। इसीलिए अगर स्टेट लेवल का एग्जाम देना है तो कुछ राज्य स्तरीय पढ़ाई करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो है पॉलिटिकल साइंस से, और उसमें जो मैंने लेसन लिया है वो है आपका विधान मंडल। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है विधान मंडल। भाई, राज्य में विधान मंडल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा केंद्र में। केंद्र में क्या होता है तो संसद। अब देखिए, भाग नंबर 5 में आपको संसद पढ़ने को मिलेगा और भाग नंबर 6 में आपको विधान मंडल पढ़ने को मिलेगा। अब सेम है, जैसे अगर आप संसद अगर पढ़ लिए हैं, अब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा अगर आप ये पढ़ लिए हैं तो आपका विधान मंडल आधा क्लियर है, एकदम बराबर में चलता है। तो यहां पर देख रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति यहां संसद में है तो विधान मंडल में आपके राज्यपाल है, बिल्कुल आसान। लोकसभा अगर यहां है तो उसका सेम भाग आपका विधानसभा है, और राज्यसभा अगर यहां पे है तो उसका बराबर में आपका आएगा विधान परिषद। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, उसी तरह से विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होता। ये दोनों अस्थाई सदन है और उच्च सदन है, ठीक। अब यहां पे आते हैं, चूंकि मैंने आपका पूरा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आज सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है। तो भाई, हमारे यहां भाई 29 राज्य हैं, 29 राज्य में विधानसभा है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है आपका, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी में आपका विधानसभा का गठन किया गया है। अब यह मैंने एरो मारा हुआ है सदस्य। तो पहले देखते हैं सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। किसी भी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहां मैंने लिखा हुआ है अधिकतम संख्या होनी चाहिए 500, ठीक। यूपी में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, यहां पे 1, 2, 3 नंबर पे है। अब सबसे कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 60। लेकिन भाई 60 तो होता है, लेकिन अपवाद भी है, जैसे कि गोवा और मिजोरम में 40-40, सिक्किम में 32 और पौंडुचेरी में 30। तो ये हुआ विधानसभा की सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए। अब अगर विधानसभा में आपको आना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा मत देकर आपको चुना जाता है। लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्य की, यहां हर जगह आपको मिलेगा भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है और ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही कम एग्जामों में आता है। यहां पे बस याद करने वाली बात यह है कि अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25, और पागल या और दिवालिया घोषित ना। उसके बाद देखते हैं कार्यकाल। यहां कार्यकाल सदस्य का मान लीजिए या आप विधानसभा का, कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का। लेकिन क्या 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कभी गठबंधन किए, टूट गया, बहुमत कम आया, तो यहां पे कहा जाता है विधानसभा भंग हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन कभी कभी राज्यपाल भी बिना सलाह के विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। ऐसे राज्यपाल को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त है। आपने एक चीज सुना होगा कि भाई राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, यानी मन से नीत 2,
यहां देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ राष्ट्रपति, दो लोकसभा में मनोनीत करते हैं, सेम यहां भी राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सत्र। भाई विधानसभा में सत्र कितनी होनी चाहिए या कितनी है, तो तीन है। कौन कौन सा? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। अब यहां पर नोट दिया हुआ है कि भाई एक सत्र ये है और एक सत्र ये है, इनके बीच में कितने समय का अंतर होना चाहिए, तो कहा जाता है भाई 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहां एक बात और भी है कि राज्यपाल एक विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है। फिर मैंने यहां लिखा हुआ है गण पूर्ति। गण मतलब जन। अब मान लीजिए सभा बैठा हुआ है और सभी सदस्य आए ही नहीं, अब बहुत ही कम सदस्य आए हुए हैं, तो भाई जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो सभा चलाएंगे। अब मान लीजिए 2 ही 3 लोग आए तो सभा तो चलेगा नहीं, तो कितना होना चाहिए? तो गण पूर्ति हमेशा आता है 1/10। जैसे मान लेते हैं 100 है, 100 का 1/10 लोग अगर प्रेजेंट नहीं है तो सभा को स्थगित किया जा सकता है लोकसभा, सॉरी विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहां पे संख्या दिया गया है, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, गण पूर्ति हर सदन के लिए मायने रखता है। उसके बाद भाई प्रमुख, विधानसभा के जो संचालक होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, वो कहां से आते हैं? तो यहां पे मैंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख दिया है, तो ये चुने कहां से आते हैं? तो जैसे मान लेते हैं आप एमएलए बन गए और ससम्मति से 50-100 लोग हैं, जितने सदन के सदस्य लोग होंगे, वो ससम्मति से चुन लेते हैं, कहते भैया हाँ ठीक है आप अध्यक्ष बन जाइए, आप उपाध्यक्ष बन जाइए। अब अध्यक्ष बन के वो एकदम शीर्ष पे बैठ जाते हैं, उनका काम यही है कि भाई सभा को कैसे चलाए, संचालित करें, नियम बताए सदस्यों के, भाई आप नियम का उल्लंघन ना करें, ये सब काम इनका रहता है। यानी कह सकते हैं एक तरह से संरक्षक रूप में यह कार्य करते हैं। ये वोट नहीं देते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि किसी मुद्दे पर 50-50 हो जाए और 50-50 वोट मिला है, एक वोट का जरूरत है, तब ये एक निर्णायक वोट देते हैं यस या नो के रूप में। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष को। चलिए फिर मैं अगले पार्ट में आपका विधान परिषद लाऊंगा, और मैंने जितना पहले वीडियो बनाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का आप बिल्कुल देख लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा, जस्ट इससे पहले भी पेशी हुआ था, करीब करीब 12 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 8 क्वेश्चन मेरे पूरे वीडियो से टैली कर गए थे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं एग्जाम देने से पहले पूरा पॉलिटिकल साइंस देख लीजिएगा, कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।